वेरी गुड चल अब आ इधर, एक एक करके पापा को दे ये सब ए मेरे पे मत डाल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इधर रख पायल, इधर इधर इस साइड रख इधर। अरे थोड़ा और आ गया, देखना हो ध्यान से रख बस पायल। क्या? उठा के रख देना सब इस साइड। अरे यार सब जा रहे हैं तो लेकर जा रहे हैं, पांच छह सारा कर दे चल। हमारी खुशबू बहुत ही मेहनती हो गई है खुशबू ये क्या उठा के ला रही है, पांच पांच किलो का, दस किलो का उठा के ला। पांच किलो का भी उठा के ला रही हो ना तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है तो खुद ही तीस किलो की है ना। हाँ। अभी हमें इतना सारा ये जो है पता नहीं इसे क्या बोलते, पिठारी पता नहीं कुछ तो बोलते हैं। हाँ ये सब उठाकर लेकर जाना है, हम फटाफट से ना घर के अंदर चले जाते हैं और चाय पीने का बहाना मारते हैं कि हमको भूख लगी है। हाँ। बना ये सारा हमसे उठवाएंगे, चल भाग जा। पीने का बहाना और भूख लगी है भैया। हाँ चल चल बोलेंगे कि भूख लगी, अभी हम नहीं आएंगे आधे घंटे के लिए, आप अपना काम कर लो, है ना। हाँ। एक तो हमें सुबह सुबह छह छह बजे उठा दिया है ना। हाँ और ऊपर से बोलते क्या है कि हम काम नहीं करवाएंगे, हम आपके लिए सरप्राइज है, और ये सरप्राइज था पापा आपने ये हमसे झूठ बोला है ना। हाँ, हमारे साथ अच्छा नहीं किया क्या बना रही है पायल? चाय बना रही हूँ। तुझे बनाना आएगा? हाँ चाय तो हर कोई बना लेता है। अरे चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, चूल्हे पे बनाना आएगा ये बात कर रहा हूँ। कैसी बात कर रहा है भैया, बना लूंगी मैं तू तो कुछ कर ही नहीं रही है, बैठ रही है, देख खुशबू पीछे संभाल रही है सारा का सारा चीज। अरे यार मेरी इतनी भी तारीफ मत कर। और तो चूल्हे का काम होता है टीम वर्क होता है, एक जन ऐसे लकड़ी डालेगा, एक जन खाना पकाता है, समझे? ऐसा कुछ नहीं होता, मम्मी तो अकेले ही कर लेती है ना मम्मी। तो हम छोटे बच्चे है ना इसलिए हमको टीम वर्क की जरूरत है। चल चल वो दाल अदरक दर। बिहार में ना बहुत ही ज्यादा ठंड है, हम लोग गुजरात में रहते हैं ना तो हमको इतनी ठंडी नहीं लगती, अगर हमको ठंडी लगती भी है ना तो हम लोग वो मोटा सा टी शर्ट पहन लेते हैं ना, उसमें ही हमारा काम जो है वो चल जाता है। लेकिन बिहार में आने के बाद वो भी दिसंबर महीने में हम लोगों को है ना इतना मोटा सा है ना स्वेटर पहनना पड़ रहा है और ऐसे है ना टोपी लगानी पड़ रही है। बहुत सालों के बाद हम लोग आए हैं बिहार में, तो हमारी दादी ने हमारे लिए पूजा रखी है ना मम्मी। क्या चीज की पूजा है? ओ सत्यनारायण भगवान की पूजा। और सीव चर्चा भी है ना? चर्चा होता है यहाँ पे। ओके सो मम्मी बहुत ही बिजी है, सुबह से काम कर रही है, अभी जा रही है नहाने के लिए। जाओ जाओ नहाना तो पड़ेगा ना। मेरे लिए भी गर्म पानी रख देना, ठीक है? ठीक है ना। ठीक है और यहाँ पे खुशबू जो है वो बैठी हुई है घर में क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है ना। हाँ और जब से आई इसकी तो तबीयत ही खराब है। अरे यार मुझे ना बुखार आ रहा है तूने नहा लिया? नहीं। सो गाइस दीदी नहा के आ गई है, कैसा लग रहा है दीदी? कैसा लगेगा, ठंडा लग रहा है। ठंडे पानी से नहाया कि गर्म पानी से? गर्म पानी से नहाया है, फिर भी मुझे ठंडा लग रहा है। ठीक है खुशबू क्या कर रही है यहाँ पे? मैं अपने नहाने के लिए ना पानी गर्म कर रही हूँ तू अपने लिए कर रही है तो मेरे लिए भी प्लीज कर देना। हाँ तो ये एक तपेली में करूंगी ना। हाँ तब दोनों नहा लेंगे। ठीक है ठीक है। ये क्या कर रहा है? वो सारा पानी गिरा कर है ना। ओए लड़का ओए, इसका हाथ देखो उसका मुंह देखो मिट्टी में ही खेलता है ये। आना जाना। नहीं वो आएगा। नहीं आएगा जाना। नहीं वो आ जाएगा। अरे आंख बंद करके चली जा भैया, आंख बंद करके जाएगी ना तो खुद ही गिर जाएगी। 20-25 बंदर आए हैं यहाँ पे, दर्जन ले लो। मम्मी कितने सारे आए, जा चली जा। ऐसा लग रहा है ना कि आंधी आ गया है बार बार है ना पेड़ सारे हिल रहे नहीं है चल जा डर गया मम्मी आप तो प्रो हो, आपको तो डर ही नहीं लग रहा है मम्मी। क्यों डर लगेगा वो कैसे देख रहा है अभी भैया बुलाऊं क्या? नहीं बुलाता हूँ। नहीं नहीं मुझको बहुत डर लगता है। रुक जा बुलाने दे। हेलो बंदर जी प्लीज नीचे मत आइएगा अभी वो आराम से बैठकर खा रहा है। हाँ चले भी गए Oh, my God.
अभी हम लोग आए हैं खेत में। ये वाला जो खेत वो पीछे दिख रहा है ना, ये वाला वो वाला हमारा है ना खुशबू? हाँ, हमारे दादाजी बोल रहे थे ना कि बहुत ही अच्छा फसल उगा इस बार। यस, बचपन में माते थे पर हमें ये नहीं पता चलता था कि धान और गेहूं में क्या फर्क होता है। अब पता चल रहा है कि ठंडी में जो है वो धान उगता है और गर्मी में गेहूं उगता है। ये सब क्या किया है खुशबू, तुझे पता है ये सब क्यों किया है, जलाया क्यों है? हाँ मुझे पता है मेरे हिसाब से। हाँ बता। देख भैया, जब हम ऐसे काटते हैं ना तो ऐसा रह जाता है। अच्छा, इतना इतना पार्ट रह जाता है ना? हाँ, तो इसे हम जला देते हैं ना तो ऐसे राख बन जाता है। ओ मैं समझ गया। तो फिर है ना उसके बाद जब हम नया मतलब बीज डालते हैं तो अच्छे से प्लेन हमको जमीन मिलती है, इसलिए है ना? हाँ। ओहो, तुझे ये सब किसने बताया? अरे भैया तुझे पता नहीं, मेरे पास बहुत सारा दिमाग है। झूठ मत बोल, दादा ने बताया होगा है ना? हाँ। हमारा लिट्टी और चोखा जो है वो बनकर तैयार है और सबको ये ना अपना अपना खाना जो है ना वो मम्मी के रूम में लेकर आया हुआ है, क्योंकि खुशबू ठंड लग रहा है। यस, किचन बाजू है ना बहुत सारी झाड़ियाँ है इसलिए है ना। हाँ। और कैसा बना है? टेस्टी। क्या टेस्टी बना है। सो गाइस, फाइनली हम लोग बिहार से जो है वो अहमदाबाद जा रहे हैं। हमारी भैया की शादी सब कुछ जो है वो ओवर हो चुका है। हम लोग है ना दो दो शादी मतलब अटेंड कर आए हुए हैं और इसलिए हम लोग बहुत ही थक चुके थे, इसलिए हम लोग ने ना कल वीडियो जो है वो नहीं बनाई थी। कल से ही हम लोग निकले हुए हैं अपनी कार लेके, लेकिन आज से मैं वीडियो बनाना जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि एक दिन रेस्ट ले लेता हूँ, है ना? बहुत ही टेंशन में आ चुकी है क्योंकि अहमदाबाद जाके इसको है ना बहुत सारा होमवर्क करना है, लगभग 15 दिन का है ना। हाँ भैया, मुझे है ना सुबह सब जग जग के है ना मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। इतने दिन एंजॉय किया है, अब जाकर पढ़ो। एक बात बोलूं? हाँ बोल। आप लोग मेरी बुक कंप्लीट कर देना। नहीं, तेरे टीचर को राइटिंग नहीं समझ में आ जाएगी कि उसके भैया ने लिखा है, उसके सिस्टर ने लिखा है, तो फिर अरे हाँ करना होगा तो हम ड्रॉइंग का कर देंगे। यस। पावर बैंक दे मुझे। नहीं है मेरे पास। तेरे पास है? पापा ने खरीदा है, वो मुझे चाहिए। वो मैंने अपने पैसों से खरीदा है, पापा ने नहीं खरीदा है। ठीक है, पैसे नहीं दिए ना तूने, जब दे देना तब बोलना मेरा पावर बैंक। ओ हो हो, पैसे दे दिया है, पूछ ले पापा से, पूछ ले। नहीं दिया है अभी, पापा का ही पैसा है इसलिए पापा की ही वो चीज है। ले ले ले। इसके बाद तू है ना ज्यादा फोन देखेगी और तेरा चार्ज कम होगा ना तो मैं नहीं देने वाला। तू मत देना, मैं पापा से मांग लूंगी। चुप रहे, जाना कॉमेडी हो रहा है। ठीक है, कब से ना ट्रैवल करे ही जा रहे। सिर्फ हमने ना सुबह ना सिर्फ दो प्लेट है ना छोला समोसा जो है वो खाया है, लेकिन अभी है ना 4 बज चुका है और अभी तक है ना हमने कुछ भी नहीं खाया है और हमारा पेट जो है वो खाली हो चुका है। सो इसलिए ना हमें बहुत ही नींद लग रही है, तो हम लोग है ना एक अच्छा सा होटल ढूंढेंगे और वहाँ पे ना हम लोग पेट भरकर खाएंगे। फाइनली हम 2 घंटे के बाद खाना जो है वो खाने वाले हैं। हम लोग है ना कब से ढूंढ रहे थे कि कब ढाबा होटल हमें मिलेगा अच्छा वाला। सो फाइनली हमें ढाबा होटल जो है वो मिल चुका है और हम लोग अपने कुर्सी पे बैठ चुके हैं और ऑर्डर भी हमने खाने का दे दिया है ना। हाँ, है ना मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कितना झूठ बोलिए गाइस, इसने वेज पुलाव अभी बीच रस्ते में खाया 30 रुपए का, फिर भी इसको भूख लगी है। बट उससे मेरा पेट नहीं भरा है। मैंने तो अभी तक कुछ नहीं खाया है। हाँ तो आपकी गलती, आप भी खा सकते थे है ना। नहीं, पर मुझे ना वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने नहीं खाया। हमने ना बहुत ही सिंपल सा खाना जो है वो ऑर्डर किया है। खाने में हमने ऑर्डर किया है फ्राई राइस, रोटी, कढ़ाई पनीर और जीरा राइस। खुशबू, काफी छोटी थाली नहीं दे दी है? बहुत ही छोटी थाली दी है। खिचड़ी बन जाएगा, सारा मिक्स हो जाएगा इसमें। मैं तो ये सोच रही हूँ। हाँ बोल। हम दाल चावल कैसे खाएंगे? सो गाइस, मुझे मिर्ची तो बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में, मैं है ना नहीं खा रहा हूँ। अगर मैंने खा लिया और मेरा पेट खराब हो गया तब तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? तब कुछ नहीं, आपको खेत में जाना पड़ेगा। फाइनली हमने खाना पीना जो है वो खा लिया है। जब हम खा रहे थे ना तो सामने से हमारे ना बहुत ही धूप आ रही थी, लेकिन अब है ना छांव छांव हो चुका है, अब है ना ठंड लगना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट से मैं ना स्वेटर जो है वो पहन लेता हूँ और खुशबू को देखो, एनर्जी आ गई है ना खुशबू अब। अब है ना मैं पूरी रात जगूंगी। हाईवे के ऊपर ना रुके हुए हैं क्योंकि हमारा फास्टैग का रिचार्ज जो है ना वो खत्म हो चुका था, तो है ना पापा ने रिचार्ज कर दिया है, लेकिन हमको है ना 15 से 20 मिनट ना रुकना पड़ेगा हाईवे पे, क्योंकि पता नहीं अपडेट होने में टाइम लगता है ऐसा कुछ बोल रहे थे। पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता ये सब चीजें, लेकिन पापा ने वेट करने को बोला है। तो हम लोग है ना हाईवे पे अच्छे से ना
खेल कूद रहे हैं, मतलब साइड में खेल रहे हैं, बीच रास्ते पे नहीं खेल रहे हैं ना। हाँ। खुशबू हाँ। तूने तो बोला था तू रात भर जागेगी है। मैंने कब बोला ऐसा? झूठी। मैंने कुछ बोला ही नहीं कि मैं रात भर जगूंगी। बोला है। सब जन सो गए थे, मम्मी तो सबसे पहले। नहीं, मैं सबसे पहले उठी भी हूँ। नहीं देखो, गाड़ी चलाने की मम्मी को नींद आ ही जाता है ना पैर। हाँ, पता नहीं मम्मी को ऐसा क्या हो जाता है कि नींद आ जाता है। मम्मी जितना काम कौन करता है। हाँ, गाड़ी हाँ, में कोई काम नहीं। सही बात, गाड़ी में कोई काम नहीं कर रही मम्मी। घर से तो करके आई थी ना बेटे, इसलिए नींद आ गया। यहाँ पे तापड़ी हो रही है ना, तो हमें थोड़ी सी है ना राहत मिल रही है ठंड से, है ना। हाँ। बहुत ही ठंड है यहाँ पे एमपी में, है ना। एमपी में ना मुझे नहीं पता। हमको तो पता भी नहीं है कि हम कहाँ पे। रात भर पापा ने पता नहीं गाड़ी चलाया है कि नहीं चलाया। आई थिंक नहीं चलाया, वो भी सो गए थे ना मम्मी। नहीं चलाए थे, थोड़ा सा चलाया, ज्यादा नहीं चलाया। चलाए थे लेकिन नींद आया तो सो गए। हाँ वही तो। पास ना एक फाइव स्टार चॉकलेट पड़ी हुई है और आजू बाजू एक भी दुकान नहीं है। मैंने सोचा कि कैमरा ऑन करके उसके पास जाती हूँ, मुझे है ना वो चॉकलेट दे ही देगा कैमरा ऑन होगा तो मैं जाती हूँ और उसे मांगती हूँ। ठीक है भैया, क्या है? मुझे चॉकलेट दे देना फाइव स्टार। कहाँ है? मेरे पास तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है मुझे चॉकलेट। वो रही ये। हाँ यार, मेरे पास ये एक लौती है, मैं तेरे को कैसे दे दूँ? आधी आधी कर ले। आधी आधी कर लेंगे, पर पहले भैया आप अपनी हेयर स्टाइल सुधारो। ऐसा लग रहा है ना कि अभी अभी सो के उठे हो। तो अभी अभी सो के उठा हूँ, कल नहीं सो के उठा हूँ। नहीं, आपका उठे हुए आधे घंटे जितना तो हो ही गया है। ले ये ले, बड़ा वाला मैं लेता हूँ, छोटा वाला तू ले ले। ठीक है, तू से मुंह धो अपना, ठीक है, फिर खाना। मुझे चाहिए पहले मुंह धो। ठीक है तो ले ये, थोड़ा सा तू ले ले, इतना मैं खा लेता हूँ, मुझे अभी खाने का इच्छा नहीं कर रहा। वैसे भी भैया ने अभी ब्रश नहीं किया लेकिन खा रहा है। चल उठ के, सबसे पहले मैंने ब्रश किया चाय पीने से पहले। यार तुम लोग मुझे ऐसे क्यों दिखाते हो कि मैं एकदम गंदा हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं नहाता नहीं हूँ, मैं धोता नहीं हूँ, क्या धोता नहीं हूँ। ऐसे मुझे तुम लोग ना प्रेजेंट करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। मैं एकदम साफ सुथरा हाइजेनिक वाला लड़का हूँ। अच्छा ठीक है। फाइनली हम लोग अहमदाबाद जो है वो आ चुके हैं, और इधर आने के बाद हम लोग ने इतनी सफाई की है घर की कि मैं आपको क्या बताऊँ। पूरे घर में ना मिट्टी मिट्टी जो है वो हो चुका था, तो मैंने मम्मी और पायल ने मिलकर जो है वो सफाई कर दी है पूरे घर की। और गाइस, गाड़ी में बैठकर हमने ज्यादा वीडियोस जो है वो नहीं बनाई है, क्योंकि हमारा फोन जो है वो स्विच ऑफ हो चुका था और पावर बैंक में भी चार्जिंग जो है वो नहीं बचा था, क्योंकि पापा जो है वो पावर बैंक से चार्जिंग कर करके ना गाना बजा रहे थे, जिससे उनको नींद ना आए गाड़ी चलाने के लिए। सो इसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया हूँ। सो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय 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 बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं खुशबू को है ना बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाला हूँ, सो वो वीडियो जरूर देखना। बाय।